लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जिसने जैसा देखा उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। जो और है विश्वासम फलम। अब हम आपको 10 उपाय बता रहे हैं। 10 उपाय बने, उपाय जो करेगा वो धनवान होगा। 10 उपाय हैं धनवान बनने के, अचूक, इसे कोई नहीं काट सकता। 10 उपाय हैं, नोट कर लेना या बाद में आप अपने बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर इसको देख लेना। 10 उपाय हैं। उसके पहले हम एक बात समझा दें, विश्वास ही फलीभूत होता है। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे जो जैसा देखता वो वैसे ही बोलता, जिसने जैसा समझा। कई लोग केवल हमारी कथा भर सुना तो उनके जान तो महाराज केवल कथा भर, कछुजन भूत भगाऊ देख लो कही आ रहा है, इन लोग तो बब्बा जू को विशेष ही डेंजर पा पा रहा है। हाँ, तो जिसने जैसा देखा वो वैसे ही समझता। जैसे एक बार अंधों के गांव में एक हाथी आ गया। अंधों के गांव में तो सब अंधा जुड़ के, अंधे थे ब्लाइंड, सब पहुंच गए, बोले हम तो हाथी को स्पर्श करके समझेंगे कि कैसा है। तो महावत ने कहा ठीक है। सो कौ ने पांव पकड़ो है, सो आ भारी मोटो है हाथी। तो कौ ने पांव पकड़ो, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, कौ ने सूंड पकड़ी। अब जब हाथी चलोगे तो सब आपस में अंधे ही अंधे बैठे, तो बोले सब आपस में बोले अच्छा बताओ हाथी कैसा है। एक बोलो हाथी तो खम्मा जैसो है, जिसने पांव पकड़ा था तो वो खम्मा जैसा बता रहा, जिसने पूंछ पकड़ी थी अरे बोले झूठ बोल रहे, हमने पकड़ा हाथी को, हाथी खम्मा जैसा नहीं है, पतरी बांस कैसी लकड़िया जैसो है। हाँ। तब तक तीसरा बोला नहीं 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 गलत बोल रहे, हमने भी हाथी को पकड़ा। बोले फिर तुम्हारा हाथी कैसा है, अरे बोले वो होतना सूपा सूपा जैसो है, उन्हें पकड़े थे कान, और एक ने पकड़ो तो पेट। बोलो तुम सब झूठ बोल रहे, भारी पहाड़ जैसा है, चिकना चिकना खोल डाला। अच्छा बोल सब सही रहे, कोई झूठ नहीं बोल रहा, सब सही बोल रहे, पर जिसने जहां पकड़ा वो वैसे ही बोल रहा। उसी प्रकार धाम भी सब सही है, गुरु भी सब सही है, जिसने जितना भगवान को समझ लिया वो उतना ही बता रहा। बोलो सीताराम। तो अब धनवान बनने के 10 उपाय सुनो, हमने तो करे हैं, हमने तो करे। अब जो नहीं कह सका कि हम बन पाए कि नहीं, काल के दिन तुम इनकम टैक्स को रेट पर बाद, इसलिए हम बता देते हैं, कर लो तो कर लोगे मजा होगा, नहीं करोगे तो सीताराम। लेकिन हमने अनुभव करे हैं, कई भक्तों को बताए, ये अचूक उपाय हैं धनवान बनने के 10 उपाय। पहला उपाय देहली पूजन, रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो, पवित्र करके रखो। और देहली पे गऊ के गोबर से जरूर, पहले के जमाने में माताएं उरेन डालती थी, उसको जरूर डालो। देहली पूजन करोगे, देहली में पवित्रता रखोगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा आपके घर में। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। पहली रोटी जो बने वो गाय को खिलाएं, उसमें गुड़ जरूर डाल दें। ये दूसरा उपाय है, जो अपने भोजन का पहली रोटी गाय को खिलाता है उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं भागती। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी थोड़ी सी केसर, चांदी का एक सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें, लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्ट लक्ष्मी, जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे, उनका नाम लेकर के पूजन कर दें, और उस कपड़े को बांध कर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांध कर अपनी तिजोरी में रख दें, कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागेगा। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें, भले ही 2 दाने दें, 1 किलो दें, 5 किलो दें, कहीं भंडारा चल रहा हो तो चावल दान दें, आटा दान दें, तिल दान दें, अमावस्या को तिल दान दें। शुक्रवार को जो अन्न दान देता है उसके घर पर कभी लक्ष्मी नहीं घटती। पांचवा अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें, और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। छठवां उपाय सुनो,
छठवां उपाय बुधवार के दिन गणेश भगवान का पूजन करें, गुड़ और चने का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को कन्याओं में बांट दें और बाकी प्रसाद आप स्वयं करें पाएं। ऐसा करने से आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। बीज मंत्र सुनो। बीज मंत्र है, वैसे टीवी पर बताना नहीं चाहिए, पर मात्र एक मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का पुनः सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जो एक माला प्रतिदिन कमलगट्टे की माला से जाप करता है, उसके घर पर कभी भी माँ लक्ष्मी उनके घर से कभी नहीं भागती। आठवां उपाय, दीपावली होली और दशहरे तीन पर्व पर अपने घर में एक न एक अनुष्ठान अवश्य करवाएं। अगर आप धनवान अमीर हमेशा बने रहना चाहते हो, कई बार व्यक्ति धनवान तो बन जाता है पर फिर घाटे में पहुंच जाता है, और जो समान अवस्था में ऐसा बना रहना चाहता है, बढ़ना चाहते हो, तो दीपावली होली और दशहरे के दिन श्री सूक्तम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाएं तो वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। नौवां उपाय, नौवां उपाय है प्रतिदिन मां लक्ष्मी और नारायण का पूजन करके 108 कमल चढ़ाएं, और ये अगर व्यवस्था ना हो सके तो केवल शुक्रवार को चढ़ाएं, और अगर शुक्रवार को नहीं व्यवस्था हो रही है तो अमावस्या के दिन 108 कमल के पुष्प। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम, ऐसा कहते हुए कमल पुष्प अगर भगवती माँ लक्ष्मी और नारायण के चरणों में चढ़ाता है तो वो कभी दरिद्र नहीं रहता। दसवां उपाय, गन्ना के रस से जो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण का श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए अभिषेक करता है, उसके घर पर कभी भी दरिद्रता नहीं रहती है। ये धनवान बनने के 10 अचूक उपाय हैं, ये कभी कटने वाले नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये वेदोक्त उपाय हैं। और 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से घर पर लक्ष्मी रुकती नहीं है। 8 कारण सुन लीजिए, 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती। सुनिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। पहला कारण, मां पिता का अपमान जिस घर में होता, गुरु का संत का अतिथि का अपमान जिस घर में होता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। पैसा आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएगा। दूसरा कारण, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती, तो क्रोध पर कंट्रोल रखें। तीसरा कारण, जो जूठे बर्तन को किचन में रसोई घर में रखता है और यत्र तत्र फैला देता, तुरंत साफ नहीं करता, उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। चौथा कारण, जो अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा डालता है अथवा उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकती। पांचवा कारण, जो माताएं अथवा पुरुष सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू लगाती अथवा भोजन करते सूर्य अस्त के समय, संध्या के समय, संध्या का मतलब दिन का विराम रात्रि का प्रारंभ, जो संध्या की वेला में झाड़ू लगाते भोजन करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। छठवां कारण, जो व्यक्ति केवल मां लक्ष्मी का पूजन करते, नारायण का नाम नहीं लेते, नारायण का पूजन नहीं करते,
उनके घर पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। सातवां कारण सुनिए, किनके घर पर नहीं टिकती। जो व्यक्ति अपने घर पर माताएं आटा गोंथ करके फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसका प्रयोग करती हैं, जो माताएं ऐसा करती हैं उनके घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती। इसे कहते हैं कि अन्न को ललायत नहीं रखना चाहिए, परसी हुई थाली को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, पा लेना चाहिए, वरना उस घर पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। आठवां कारण, शाम के समय पड़ोसी को, मित्र को, रिश्तेदार को कभी भी शाम के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई मांगने आए, मरता भी हो और शाम का समय हो तो नमक दान ना दें। अगर नमक आपने दान में दे दिया तो आपके घर से लक्ष्मी भाग जाएंगी। ये आठ कारण है। इसमें पहला कारण है माता पिता गुरु अतिथि की अपमानता। तो पहला तो उपाय है माता पिता गुरु संत और अतिथि का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। क्रोध ना करके प्रेम युक्त वाणी बोलो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। झूठे बर्तन ना रखो, अन्न का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। उत्तर दिशा में कचरा ना रख करके कचरा को दक्षिण दिशा में रखें और घर पर पवित्रता रखें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। सूर्य अस्त के पहले झाड़ू लगा करके पवित्रता कर दें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। माँ लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा प्रतिदिन करें तो माँ लक्ष्मी नहीं भागेगी। घर पर दो दो दिन का, तीन तीन दिन का आटा गोंथा हुआ का रोटी मत बनाएं, जितना उपयोग हो सके उतना ही बनाएं। अतिरिक्त अगर आटा मर गया तो उसकी रोटी बना करके गाय को खिला दें, इससे लक्ष्मी नहीं भागती। आठवां, शाम के वक्त किसी को दान में नमक ना दें तो उसके घर से लक्ष्मी नहीं भागती। ये आठ कारण हैं माँ लक्ष्मी माता के। दूसरी बात हम निवेदन कर दें, धनवान बनने के उपाय तो हमने बता दें। अब ऐसा नहीं कि तुम केवल उपाय भर करो, कर्म ना करो तब भी धनवान बनने वाले नहीं है। एक बार एक आदमी से हमने कह दिया जाओ 2019 में ब्याह हो जाए, आशीर्वाद। 2019 निकल गई, 20 में आया, बोले अबेलोनी हर्रा में हरदी लगी। हमने कहा मतलब? बोले अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा पर्चा फेल। हमने कहा पर्चा दिखाओ, पर्चा में लिखा भी सही था कि 2019 में विवाह हो जाएगा, सन चल रही 20। हमने कही अबे भी लड़ुआ, बोले हाओ अकेले। हमने कहा गड़बड़ कहां भाई, जब हमने आंखें मीची तब पतो चलो कि जो लड़की देखबे गौ ही नहीं आ। एक बार शादी तय हो गई, दूल्हा नहीं बनो, ब्याह कहां से हो जाए। विवाह तो तब होगा जब तुम दूल्हा बनो, घोड़ा पे चढ़ो। अब भगवान तो दूल्हा बन में यहां है ना, ब्याह तो तुम्हें करने। उसी प्रकार धनवान बनना है तो तुम केवल ओम जय लक्ष्मी रमना और चादरा पकड़ो और सो जाओ और फिर का बागेश्वर धाम में आके अरे महात्माई ठटरी वर है, खूब उपाय कर लिए, कुछ नहीं हुआ तो कुछ होने वाला नहीं है। व्यापार करो, कर्म करो, टिकता नहीं, सफलता नहीं मिलती, धन रुकता नहीं, धन आता नहीं, गमन के मार्ग ज्यादा हैं। अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहे व्यापार शुरू करने वाले हो आप, इन उपाय को कर लीजिए। हमें अपने गुरु पर भरोसा है, ये उपाय फेल नहीं होंगे।